नमस्कार, मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आज हम मौजूद हैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में, जहां स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया और भागलपुर के जिलाधिकारी ने यहां ध्वजारोहण किया है। और कोविड के बाद जो यहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो माहौल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ जुटी थी पूरे सैंडिस कंपाउंड के ग्राउंड में। पिछले 2 वर्षों के बाद कोविड गाइडलाइन के समाप्त होने के बाद जो यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटी, उसे देखकर काफ़ी उत्साह का माहौल साफ समझा जा सकता है। और तमाम तरह के जो लोग हैं जो पिछले 2 वर्षों से घरों में बंद पड़े थे और काफ़ी संयम के साथ बाहर निकलने को मजबूर थे कोरोना महामारी के कारण, तो इस बार वो सभी बाधाएँ टूट चुकी हैं। और ये इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृतकाल में हम चल रहे हैं और यह देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह है जो पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ लगातार मनाया जा रहा है। इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी ध्वजारोहण किया गांधी मैदान में, और भागलपुर के जो मुख्य समारोह यहां आयोजन हुआ है वो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आयोजन हुआ है। अमूमन यहां पर पूर्व में कभी मंत्री करते रहे हैं, कभी आयुक्त करते रहे हैं, लेकिन इस बार लंबे समय के बाद भागलपुर के जिलाधिकारी ने सैंडिस कंपाउंड में ध्वजारोहण किया है। और तमाम तरह की बैरिकेडिंग आप साफ देख सकते हैं और यहाँ परेड का भी आयोजन किया गया है, जो हम आपको सिल्क टीवी के माध्यम से उसका भी आपको उसे भी दिखाएंगे लगातार अपने माध्यम से। और इसके साथ ही अब भागलपुर के समाहरणालय में भी जिलाधिकारी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाना है, आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाना है, DIG कार्यालय में, और तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं या जो शिक्षण संस्थान है वो तमाम। लेकिन ये सैंडिस कंपाउंड है और सैंडिस कंपाउंड में मुख्य समारोह का हर बार की तरह इस बार भी आयोजन हुआ और काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, लोगों की भीड़ भी जुटी, बच्चे। और इस बार एक जो बड़ी मुहिम चलाई गई देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, उसमें है हर घर तिरंगा। और आपने साफ देखा होगा हर घर तिरंगा का एक माहौल दिखता रहा है लगातार पूरे भागलपुर समेत पूरे देश में। हर घर तिरंगा को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई, कई सामाजिक संगठन हो, सरकारी विभाग हो, या तमाम तरह के जो भी स्कूल हैं या जितने भी संगठन हैं हर तरह के, उन सबों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई और पूरे देश में जोश के साथ उत्साह के साथ लगातार तिरंगा लहराता दिखाई दिया, जो हमारे देश के सम्मान और गर्व का प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 75 वर्ष हमने आज़ादी के पूरे कर लिए हैं और इस 75 वर्ष में जो हमने क्या पाया ये एक विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन अब वो 1947 से भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हमें आगे देखने की ज़रूरत है। और युवाओं का दुनिया में सबसे युवा देश भारत कहलाता है और भारत सबसे युवा देश है, तो इसे हम सबों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। और एक बार हम सिल्क टीवी की ओर से तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस 75 वर्ष पूरे करने, अमृत महोत्सव और 76वें स्वतंत्रता दिवस की अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देते हैं। जय हिंद।